और अब बारी है मिर्चों वाली डिश की और इसका नाम है कच्ची मिर्च का मुर्ग। कच्ची मिर्च का मुर्ग कैसे बनाना है, इसके लिए सबसे पहले मिर्चों को तैयार करना है। और ये जो मिर्च है ये आप ले लें, ये देखिए थोड़ी मोटी वाली मिर्च, और बीच में इसके चीरा लगा लें ये, और फिर ये मिर्च को स्टफ करेंगे हम। और स्टफिंग के लिए जरा पिसी हुई सौंफ, उसके साथ साथ ये पिसा हुआ मेथी, या पिसी हुई मेथी जो सूखी मेथी होती है वो, भुना हुआ जीरा पाउडर, उसके साथ साथ पीली वाली सरसों, मिले तो बहुत अच्छा है, वो कुटी हुई ये लीजिए, उसके साथ साथ कलौंजी ये, और नमक ये ले लिया। सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये जो मिर्च है ये ले लें और इसके अंदर ये मसाला भर दें। भाई अब बड़ा सिंपल है, अब चिकन लेना है। चिकन आप विद बोन ले सकते हैं, विदाउट बोन ले सकते हैं। और अब इस चिकन में नमक और उसके साथ साथ इसमें डालें दही, उसके साथ साथ क्रश्ड चिलीज, ये हो गए। इसे मिक्स कर लें। इस चिकन को मैरिनेट करना है नमक दही और हरी मिर्च, कुटी हुई हरी मिर्च के अंदर। अब एक काम करना है, बड़ा बर्तन ले लें, उसमें तेल, अब तेल के अंदर ये स्लाइस प्याज, और स्लाइस प्याज को हमने भूनना है, और ये जो मिर्चें हैं वो इसके अंदर डालेंगे, कच्ची मिर्च, और ये डंडी के साथ ही डाल रहा हूँ मैं। और अब इसमें कुछ और चीज़ें डालनी है हमने, जैसे अदरक की पेस्ट, और उसके साथ साथ लहसुन की पेस्ट, ये देखिए अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी, और कुछ सूखे मसाले, सूखे मसालों में धनिया पाउडर, हल्दी ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, और लाल मिर्च, जैसे मिर्च की कमी थी, खैर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता। ये मिर्च, और इसके साथ साथ अब बारी आती है ये दही वाला चिकन जो मैरिनेट करके हमने रखा है, वो इसके अंदर डालें, और अब इसे मिक्स करें। ये बस सब चीज़ों को मिक्स किया, नमक तो डाला ही था इसके अंदर हमने, और अब इस पे लगाएं ढक्कन, तेज़ आंच पे पकाएं करीब 10 मिनट ढक्कन लगाकर, और उसके बाद ढक्कन खोल के एक बार जरा इसे मिला लें, इसे चला लें, और एक बार फिर उस पे लगाएं ढक्कन। नहीं अभी नहीं, जरा देख लेते हैं कि क्या हाल होता है इसका। 10 मिनट पक गए, चेक कर लेते हैं कि ये चिकन का क्या हाल है, तेज़ आंच पे पकाया है अभी तक। ये देखिए मिर्चों के साथ पक रहा है ये चिकन, और बस काफ़ी गल गया है, लेकिन अभी भी थोड़ी कसर है, और अब ये जो कसर है वो निकलेगी मिक्स करने के बाद। धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दें, उसके बाद कुछ नहीं करना, ये पूरा का पूरा जो बर्तन है वो लेके जाएं और इसको बेचें, ऑक्शन करें, जहाँ ये डिश ऐसी है कि बहुत कम आ सकते हैं आप। खैर अभी तो नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एग्री क्या। कच्ची मिर्ची का मुर्ग, इसके लिए हमें चाहिए 800 ग्राम चिकन के पीसेस, 10 मोटी भावनगरी मिर्च चीरा लगी हुई और बीज निकली हुई, 2 छोटे चम्मच सौंफ का पाउडर, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना पाउडर, 2 छोटे चम्मच भुना जीरा पाउडर, 2 छोटे चम्मच पीली राई कुटी हुई, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, नमक स्वाद अनुसार, 1 कप दही, 2 हरी मिर्च पिसी हुई, 2 बड़े चम्मच तेल,
दो प्याज स्लाइस किए हुए, एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे बनाने के लिए एक बोल में सौंफ पाउडर, मेथी दाना पाउडर, भुना जीरा पाउडर, कुटी पीली राई, कलौंजी और नमक डालकर मिलाएं। अब इस मसाले को चीरा लगी हुई मिर्चों में भरें। एक बोल में चिकन के पीसेस को लेकर इसमें नमक, दही और कुटी हुई हरी मिर्च डालकर मिलाएं और इसे करीब 15 मिनट तक मैरिनेट करें। एक पैन में तेल गरम करके इसमें प्याज डालें और इसे भून लें। अब इसमें स्टफ की हुई हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर करीब 3 मिनट तक पका लें। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालें और इसे तेज आंच पर ढककर करीब 10 मिनट तक पकाएं। अब इसकी आंच धीमी करके एक बार फिर इसे 10 मिनट तक पकाएं और परोसे गर्मा गर्म।